हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं धीरू मौची की वीडियो पे। हाँ जी, कोरियन से प्यार करते हैं ना, चलो आज असलियत देखते हैं। शुरू करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, दो चेक इट आउट, सब्सक्राइब कर लो। No one talks about this, but in schools, इतनी सुंदर है लेकिन ये in public bathrooms, in spas, there are secret cameras. Yes guys, secret cameras. भाई जिस तरह से अपने इंडिया में ओयो वगैरह होटल्स वगैरह नहीं होते हैं, ऐसी कोरिया में भी बहुत फेमस है लव मोटल नाम से, जहाँ पे कपल्स लोग जाते हैं और कीर्तन करते हैं गाइस। Motels like these run things by the hour. So weird चीज़ ये है कि उन होटल्स के अंदर सीक्रेट कैमरास लगे होते हैं, और इससे भी ज्यादा जो वियर्ड चीज है वो ये है कि उन सीक्रेट कैमरास से लाइव स्ट्रीम की जाती है, मतलब उनकी जो फुटेज है जो भी चल रहा है कमरे के अंदर वो भाई इंटरनेट पे दिखाया जाता लाइव। Suggest that often they're live streaming, so they're watching what's going on in real time. भाई जस्ट तुम इमेजिन करो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में हो सही में, भाई उधर दूसरा आदमी तुम्हारे नाम की सुपर चैट खा रहा है। भाई ने कुछ अलग करा भाई, 25 रुपए की सुपर चैट आई है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सो मैंने इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देखी हैं जिनसे ये पता लगता है कि कोरियन लोग जो है इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। India, Sokapok. Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. Really? When we go for shopping, they come very fast. Like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like dusted. क्यों? क्योंकि हम अच्छे नहीं दिखते उनकी नजरों में. India, Sokapok. ये जो इनका तुमने एटीट्यूड बढ़ा दिया है ना, ये को ड्रामा को म्यूजिक को इतना सपोर्ट करके बढ़वा दिया तुमने। बताओ ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अरे तुम गोरे चिट्टे दिखते हो, बढ़िया दिखते हो यार, हम देख रहे हैं तुम्हें, प्यार कर रहे हैं लोग, लेकिन इसका मतलब थोड़ी तुम इंडियंस को हेट करोगे। भाई इन लोग ने रेस्टोरेंट और क्लब्स के बाहर लिख रखा है इंडियंस नॉट अलाउड। अबे तुम्हारा खाना खाना भी नहीं चाहता कोई, सही बताओ ना, मजबूरी में जाके खा रहे हैं वहाँ, जो जाके खा भी रहे हैं तुम्हारे देश में। भाई उगली हुई चौमिन खाते हैं, भूनते भी नहीं है उसे। भाई ये कोरियंस का रामेन और किमची वगैरह खाने से अच्छा ना मैं ये खा लूंगा ये मैगी में फेंटा मिला के भी नहीं बना देते। मैगी बनेगी फेंटा में, पानी डाल रहा है, पानी में मैगी बनती है। हमारे इंडियंस कम क्या, फेंटा के अंदर मैगी डाली जा रही है। ये खा लूंगा भाई, इसमें ज्यादा मजा आ जाएगा। उगली हुई चौमिन खा में भाई, और चोड़े हो रहे बता, हमारे आ गए, हमारे आ गए। सो कोरियन रेस्टोरेंट्स के आगे साफ साफ लिखा होता भाई कि इंडियंस नॉट अलाउड। ओह माय गॉड, ये क्या है, इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। और ये सिर्फ कोरिया के रेस्टोरेंट्स तक बात नहीं चल रही है, जो इंडिया के अंदर भी कुछ कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं उनके बाहर भी ये सेम चीज लिखी है। अरे हेलो, हमारी जमीन पे और हम ही दादागिरी दिखा रहे हो, बदमाशी। एक बड़ा पाव फेंक के मारूंगा, पड़ जाएगी सबकी। तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर नाम से एक जगह है जहाँ पे भाई किया मोटर्स का शोरूम है, शोरूम नहीं है मतलब वहाँ पे बनती है। जिन जिन को नहीं पता है किया मोटर्स जो एक कोरियन कंपनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे कोरियंस रहते हैं उनकी कंपनी के अंदर जो काम करते हैं, तो उनके लिए वो रेस्टोरेंट बना हुआ है। वहाँ पे कोई अगर इंडियन जाता है ना तो भाई वो उसे जाने ही नहीं देते अंदर। दिस इज ओनली फॉर कोरियंस, हिंदी में डब करवाने कि भाई देखो देखो, लेकिन जिस जगह ये जाके खा रहे हैं, जिस जगह ये बैठ रहे हैं, वहाँ इंडियंस को अलाउड नहीं है। देखो भाई ये बात मैं हेट फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियोस जस्ट तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं देश में अपने कोरिया के। तो भाई अभी मैं लूंगा बदला इन्हें रोस्ट करके कोरियन को हिंदी में, समझ भी नहीं आएगी सालों को। Things about Korean okay. culture. One, toilet paper. If your hands are dirty at a restaurant, they'll give you toilet paper to clean them. Two, no. अबे इन लोगों को हाथ और पिछवाड़े में फर्क समझ में नहीं आता क्या? भाई खाना खाने से पहले तो एटलीस्ट हाथ धोने जरूरी है। वैसे जरूरी तो हगने के बाद भाई वो धोनी भी है, लेकिन ठीक है जैसी इनकी श्रद्धा। Matching couples. It's fashionable to dress identically as your partner. भाई या मम्मी पापा भाई बहन को पहनाते हैं मैचिंग कपड़े, पहनते हैं कपल्स भी पहनते हैं, बाकी मुझे ज्यादा पता नहीं है भाई कपल्स के बारे में। Hands. Out of respect, Koreans use both hands when pouring a shot to an older person. 7. Their age. When Koreans are born, they are 1 and everyone gains a year older on New Year's Day. So Korean लोगों के हिसाब से जिस दिन बच्चा जन्मा है वो हो चुका है 1 साल का, और फिर न्यू ईयर की पहली तारीख को वो हो जाएगा 2 साल का। सो इस हिसाब से अगर कोई बच्चा 31st को पैदा होता है तो भाई वो तो अगले ही दिन 2 साल का हो जाएगा। भाई मुझे लगता है रेस्पेक्ट के चक्कर में ये लोग ज्यादा दारू पी ले रहे हैं
दोनों हाथों से पोर करके स्लर्पिंग नूडल्स कोरियन स्लर्प एज लाउडली एज ह्यूमनली पॉसिबल भाई इंडिया में इसे गवारपन कह देते हैं मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को लेकिन लोग कह देते हैं हे लावण्या तेरा कोरियन क्रश जो है ना वो तो गवार है खाते खाते आवाज करता बहुत ज्यादा चप 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 की 11 कम्युनल हैंड सोप आई फील लाइक इट ओनली मेक माय हैंड्स डर्टियर भाई लिक्विड सोप नाम की चीज नहीं होती क्या इनके यहाँ वैसे तो बड़े हाइजीन के चौदे बनते भाई ये गोरे चिट्टे चमक रहा है भाई यहाँ भी हाइजीन दिखाओ थोड़ी नाउ आई नो भाई ये टिश्यू पेपर क्यों यूज करते हैं खाना खाने से पहले साबुन क्यों नहीं करते हैं क्योंकि इनका खाना खाने के लिए हाथ धोने से पहले कोई भाई समझ रहे ना तुम अपनी घंटों के हाथ धोने आया होगा Korea looks only nice, but it doesn't in reality. Korea is famous and also well known for high suicide rate and lowest birth rate among OECD countries. Korea का जो birth rate है वो बहुत ज़्यादा कम है. मुझे लगता है भाई इनकी जो सारी रात है ना वो skin care में निकल जाती है. इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पाते. भाई जो lotion है ना वो सिर्फ चेहरे पे नहीं कहीं और भी लगा लिया करो. और भाई बात रही जहां आत्महत्या की जैसे इसने बताया जब जिस देश में इतनी इनसिक्योरिटी होगी भाई कि लोगों को अपने ही बच्चे पसंद नहीं आ रहे हैं उनके 15 बर्थडे पे उन्हें प्लास्टिक सर्जरी गिफ्ट कर दे रहा है उनके माँ बाप तो भाई वहाँ कैसे लोग डिप्रेस नहीं होंगे कैसे परेशान नहीं होंगे कैसे खुद को लेके इतने वो नहीं होंगे इनसिक्योर एंशियस एवरीथिंग इज हमारे यहां देखो नाक बहती रहती है फिर भी अपना बच्चा वही अपना बच्चा 500 रुपीस टू गेट 5 आलू भाई 5 आलू 500 रुपए के 100 रुपए का एक आलू भाई 500 रुपए के तो मैं लेस के पैकेट लेके यार उन्हें खोलने बैठूंगा ना उसमें से ज्यादा आलू निकाल दूंगा मैं इतने महंगे भाई आलू भाई हमें इज्जत करनी चाहिए आलूओं की कभी बुरा मान जाए यहाँ भी महंगे हो रहे हैं कभी भी तुम्हारा फेवरेट कोरियन स्टार इंडिया आए तो भाई उसे तुम्हें फूलों की या फिर नोटों की माला पहनाने की जरूरत नहीं है उसे देनी तुम्हें एक आलू की बोरी गिफ्ट में खुश हो जाएगा भाई कसम से बता रहा हूँ तुम्हारी छाती पे देखे जाएगा अपना ऑटोग्राफ सो तुम कोरिया के लोग देखते हो कहते हो भाई कितने चमक मारते हैं कितने अच्छे हैं ये जो कि अच्छा भाई उन्हें देख के अच्छा लगता है अपीलिंग लगता है बहुत ज्यादा मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है भाई कोई अच्छा दिख रहा तो बढ़िया ही है मुझे क्या दिक्कत होगी भाई मैं तो खुद हीरो जैसा दिखता हूँ सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो देश प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे ऊपर है वो पता है कौन है जैसे एकदम सही गैस किया तुमने कोरिया पूरी दुनिया के अंदर जितनी प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं उसमें से 1/4 मतलब 25% सिर्फ कोरिया के अंदर ही होती हैं और बाकी बची कुछ ही जो है वो रागी सावंत अपने चेहरे पे करवा लेती और ये जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह है ना भाई ये लोगों को मजबूरी में करानी पड़ती है क्योंकि जो वहाँ पे लोग अच्छे नहीं दिखते उन्हें जॉब ही नहीं मिलती है मतलब एक इंसान की स्किल्स और सोचने की क्षमता कई भाई भाड़ में अच्छा दिखना चाहिए अभी तुम सोच रहे हो कि प्लास्टिक सर्जरी वाला जो सिनेरियो है ये भाई किसी सोशल मीडिया या फिर फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता होगा मतलब कि वहाँ पे लोगों को अच्छा दिखना जरूरी है जैसे कि अपने इंडिया में भी है बट ऐसा नहीं है भाई साउथ कोरिया में तुम एक नॉर्मल सी जॉब पाने के लिए भी अच्छा दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो लोगों को लगता है कि उतने अपीलिंग नहीं दिखते हैं उतने अच्छे नहीं दिखते हैं तो भाई उन्हें ना चाहते हुए भी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है ठेले पे अंगूर बेच लो भाई ये कहाँ सर्जरी वर्जरी कराने के चक्कर में पड़ रहा हो भाई मतलब बाकी सारे देशों में अपने इंडिया में लोग इसलिए घबरा रहे हैं डीप फेक वगैरह से कि किसी के भी चेहरे पे किसी का भी चेहरा लग जाता है वीडियोस वगैरह में अबे कोरियन वाले तो रियल लाइफ में कर रहे हैं ये रियल लाइफ में किसी का किसी से चेहरा लगवा के घूम जाएंगे तो भाई इन कोरियन लोगों से अच्छे तो अपने नेपाल के लोग दिखते हैं बिना सर्जरी के जोक नहीं है भाई ये जोक नहीं है girls are always wearing like little shorts underneath their skirts especially if you are taking the subway or if you're taking public transportation because there's guys that are going to like sneak their phones under you and try to take a picture which is so freaking भाई ये चीज देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कोरिया इतना अनसेफ है ना अगर सुपरमैन भी वहां जाएगा पूरा लोअर पहन के जाएगा चड्डी नहीं सिर्फ अपनी यू नो इट्स लाइक अ होल लाइक फैंटेसी व्हेन यू कम टू कोरिया यू वांट टू पार्टी ऑल नाइट टेक द फर्स्ट ट्रेन होम I'm telling you, when the clubs start closing, which is I guess like around 5-6 a.m., that's when the guys really get desperate. And these guys will literally just like hold you up and try to like put you in their cars. And the taxi drivers are just like sitting there like, okay. बढ़िया भाई बढ़िया बढ़िया है बहुत अच्छी होती है कोरियन लड़के तो भाई इनोसेंट से होते हैं यार ये एक झूठ बोल रही है पागल लड़की है भाई ये इसकी नहीं सुनो भाई इनोसेंट होते हैं बढ़िया होते हैं वो ड्रिंक व्रिंक में कुछ नहीं मिलाते भाई क्लब व्लब में कोरियन लोंडे तो बहुत अच्छे होते हैं भाई बहुत क्यूट से बहुत स्वीट से भाई हर जगह हर तरह के लोग होते हैं यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस हाँ गाली खाने का काम कर दिया मैंने 12 साल की आर्मी से अब जिस तरह से कोरिया को कोरियन ड्रामा और म्यूजिक वीडियोस में दिखाया जाता है ना सिर्फ वैसा नहीं है एक्चुअल रियलिटी अलग हो सकती है जितनी ये बता रहे हैं उससे भी अलग हो सकती है शायद है भी कोरिया कोई जन्नत का दरवाजा नहीं है तुम वहाँ जाके लैंड करोगी तभी एक BTS का मेंबर तुम्हारे लिए कॉफी लेके आएगा कि मैडम आ गई इनका ख्याल रखते हैं हर देश की तरह कोरिया की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना वो वहाँ की GDP को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है तो इसीलिए जो उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना वो बहुत ज्यादा हाई कर रखे हैं उन्होंने कि भाई सब एकदम चमचमाते हुए दिखने चाहिए
पूरी दुनिया पागल हो जानी चाहिए हमारे आर्टिस्टों को देख के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हें दिखाया जा रहा है। वो जस्ट तुम्हें कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है उसे देखो, एंटरटेन हो उससे और भूल जाओ, अपनी फैंटेसी में मत खो जाओ। ये कोरियन लड़का चाहिए, कोरियन के प्यार में पागल होंगी। बाय, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इतना क्या क्रेज है कोरियन का? एक तो वो लोग इज्जत नहीं कर रहे इंडियंस के, और मेरे को ये समझ नहीं आता कि जैसे औरत औरत की दुश्मन है। हाँ जी, ये कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि हाल ही में मुझे ये समझ आया है कि ऑफकोर्स ये बातें सच है। छोड़ो, इस टॉपिक को कभी और बताएंगे। बट इंडियंस अपने देश को, अपने देशवासियों को कभी पसंद नहीं कर सकते, कभी सपोर्ट नहीं कर सकते भाई साहब, कभी नहीं। कोई और कोरिया है, पाकिस्तान की सीमा आ गई है, सीमा हैदर भाभी भाभी भाभी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आथू यार, अपने देश को सपोर्ट करो, अपने देशवासियों को सपोर्ट करो। अपने देश में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलेंगे। सपोर्ट करो अपने इंडियंस को, बस मेरा कहना इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताना।